ऊपर कह रहा था वो काफी पता नहीं सारी डिटेल चीज हमें कौन आएगा कौन नहीं जाएगा पहले कहां से लेंगे नहीं जाने का रिस्क है आपको क्या पता है इंपॉर्टेंट है बाकी अपन चीजें देश ने और सभी प्रदेशों ने जो एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए थे उसमें हिमाचल प्रदेश ने भी समय समय पर कदम उठाए। पिछले कल हमने जो नोटिफिकेशन की थी जो हमारा कांगड़ा जिला जहां पर पॉजिटिव 2 केसेस पाए गए थे कोरोना वायरस के वहां पर हमने उस डिस्ट्रिक्ट को लॉकडाउन किया, लेकिन हमें आवश्यक लगा कि पूरे प्रदेश भर में बहुत सारे लोगों का आना जाना हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में पूरे प्रदेश में ये बीमारी ना फैले इसके लिए आवश्यक है। आज विधानसभा का सत्र हमने समाप्त कर दिया, बीच में ही समाप्त कर दिया और आज के सत्र समापन के साथ साथ हमने पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे प्रदेशवासी इसमें सहयोग देंगे और मीडिया जगत के सभी मित्रों से मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि सही जानकारियाँ ठीक जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाने के लिए आप जो भूमिका निभा रहे हैं उसको आप बनाए रखें और उसके साथ साथ में मैं प्रदेश की जनता का आप सबके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। जो जनता कर्फ्यू का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था जिसका बहुत व्यापक असर हुआ है, लोगों ने उसको बहुत प्रभावी ढंग से जो है उसको स्वीकार किया, स्वीकार करने के साथ लागू करने में सहयोग किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि जो सीधे तौर पर जो है ऐसे मरीजों को की जान बचाने में लगे हैं डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस जो उसके साथ साथ में सफाई कर उनका भी आभार व्यक्त करने के लिए पाँच बजे पाँच मिनट के लिए जो है अपने घरों से बाहर बालकनी में निकल करके उनका आभार व्यक्त करें, ताली बजा करके शंख बजा करके और वो भी बड़े स्तर पर पूरे देश में हुआ है और हिमाचल प्रदेश में भी बड़े स्तर पर हुआ, इसके लिए भी मैं सभी प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। अब सही मायने में आवश्यकता इस बात की है कि अब जहाँ हिमाचल प्रदेश में ये मामला पहुँचा है वायरस का वहाँ ये रुके आगे ना बढ़े बल्कि ये समाप्त हो जाए, उसी स्थिति में समाप्त हो जाए। 2 पॉजिटिव केसेस जो हमारे आए हैं वो जो दोनों जो है स्वस्थ हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी जो है वो उस गाँव में से बाहर निकल करके आएंगे। ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में जो हमने सख्ती से आज जो आदेश दिए हैं उसमें प्रदेश से बाहर जाने पर भी रोक है और प्रदेश के अंदर आने पर भी रोक है, इस बात को स्पष्ट होने की आवश्यकता है। और ये जनहित में हमको इसलिए ये निर्णय करना पड़ता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा आदमी हिमाचल का आदमी जा कर के परेशानी में न हो और बाहर का आदमी हिमाचल में आकर के जो है परेशानी अनुभव न करे, इस बात को भी सुनिश्चित करने के साथ वायरस भी रुके और आदमी भी सुविधा के साथ एक साल पर रहे। एसेंशियल कम्योडिटीज़ के लिए हमने निर्णय किया वो जारी रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो है हम ठीक प्रकार से जो है सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। अफवाहों से बचने के लिए मेरा आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता से आह्वान है कि अफवाहों में ना जाए, जो भी बात करनी होगी आपके चुने हुए विधायक है, आपके विधायकों के साथ सरकार में हम सब लोग हैं अधिकारी है, उनसे सीधा संवाद करें, सीधी बात करें और ठीक जानकारी आपको मिलेगी। राशन के सिलसिले में होर्डिंग का मामला जो आ रहा है खासतौर से जहां कालाबाजारी का मामला, इससे भी मुझे लगता है कि बाहर आने की आवश्यकता है। राशन जो है हमारे पास मौजूद है, प्रचुर मात्रा में है, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये दौर बहुत लंबा नहीं रहेगा ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं, लेकिन इस दौर में आवश्यक है कि हम इसमें सहयोग करें, यही मुझे कहना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है सर कि इस गाइडलाइन की सेफ्टी के अंदर कौन लोग आएंगे, क्या करने के लिए, कौन सी दुकान खुली होगी, कौन क्या कर सकता है, तफसील में बता सर। देखिए इसमें एक चीज को लेकर के मैं बड़ा एसेंशियल आइटम में कैसे जैसे दवाइयाँ एसेंशियल इसमें अभी
आपकी दवाइयों के साथ साथ में आपका दूध, आपके जो रोज़मर्रा की जो खाने की राशन हो गया, उसके बाद ये जो बहुत सारी जो चीज़ें जो हमारे जो डेली यूज की जो बिल्कुल ऐसी हैं जिनके बिना, जैसे आपका पानी, बिजली, एम्बुलेंस और उसके फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये सारी के सारी जो असेंशियल आइटम जो आती हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें कायम रहेंगी। इस प्रकार से किसी तरह की परेशानी नहीं होगी मीडिया, लेकिन मीडिया अपनी भूमिका निभाएगा, मीडिया आता रहेगा जाता रहेगा और ठीक चीज़ों पर रिपोर्ट करते रहेंगे। इसके अलावा जिन चीज़ों को लेकर के जो है, जो दुकानें जो खुली रहती हैं, जो असेंशियल आइटम्स केस में नहीं आती हैं, उन चीज़ों को लेकर के हमने प्रयोग कर लिया। सर आज की नोटिस इसमें आज हम बैठ रहे हैं, इसके बाद इस पर हम रिव्यू कर रहे हैं, इस पर क्या करना है। आज लोगों की लोगों की दिक्कत का जिक्र मत करिए, लोग का जिक्र दिक्कत से ज्यादा विषय इस बात के लिए है कि लोगों की जान बचाना। ऐसे में दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी, आपको भी, लोगों को भी दिक्कत, मान करके चलिए, स्पष्ट है, बड़ा साफ है। जो जरूरत है आज की, वो जरूरत है आदमी का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और छोटी मोटी दिक्कतों के लेकर के मुझे इस दौर में सिर्फ इतना ही निवेदन है, थोड़ा बियर करना पड़ेगा, इतना मेरा आप एक सर जो फॉरेन ट्रेड से आया था लोग हैं, उनको क्वारंटाइन नहीं हुए, सर उद्योगों की क्या स्थिति रहेगी, क्या उत्पादन जारी रहेगा? सर दो महत्वपूर्ण सवाल हैं, एक जो फॉरेन रिटर्न लोग हैं जो क्वारंटाइन नहीं हुए हैं, अभी भी मामले आए हैं, FIR रजिस्टर हो रही है, क्या इसको चेक करने के लिए कोई मॉनिटरिंग है? नंबर वन। नंबर टू, जो आपने जैसे असेंबली में भी कहा टेस्टिंग फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है, क्या आप डायरेक्ट करेंगे जो बड़े प्राइवेट लैब्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हिमाचल में, वो ये फैसिलिटी अवेल करें और जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग दें? देखिए, एक तो ऐसा है कि अनावश्यक रूप से ये भी होड़ नहीं होनी चाहिए कि हम टेस्ट करवाने चल पड़े। सिम्टम जब तक डॉक्टर इस बात को देखता नहीं है ठीक प्रकार से, उसको लगता है कि ये पेशेंट जो है इसका टेस्ट लाजमी है, जरूरी है और इसका करना चाहिए, तो डॉक्टर उसके लिए कहेगा। ये किसी को ऐसे ही बैठे बैठे ही हम उसके लिए बोलेंगे। विशेष तौर से बाहर से आया हुआ पेशेंट, जो पर्टिकुलरली पेशेंट या जो टूरिस्ट लोग हैं, टूरिस्ट है या कोई भी आदमी फॉरेन नेशन जो है, उनका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, और उनमें से बहुत सारे लोग जो जिनको 28 दिन का वक्त हो गया है, वो क्वारंटाइन का जो पीरियड जो है उन्होंने पार कर लिया है, उनका किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और जो देश के अंदर भी जो ऐसे लोग हैं जो देश से आए हैं, जिनको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत महसूस हुई होम क्वारंटाइन में, उनको रखा गया है, उसके मॉनिटरिंग की मैंने कहा व्यवस्था, वहाँ पर जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी वहाँ पर जा करके रोज़ाना उनसे फॉर्म भर रहे हैं, उनके सिम्टम्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आवश्यक लगता है तो उनको वहाँ से हॉस्पिटल ले जा करके उनकी फर्दर फिर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो अभी तक मैंने जो बताया कि 57 हमने टोटल सैंपल जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भेजे थे सिम्टम्स के आधार पर, उसमें 55 जो है वो नेगेटिव पाए गए, 2 ही पॉजिटिव पाए गए। सर आईपीएस ऑफिसर, अभी मेरे पास वो फिगर इस वक्त नहीं है, लेकिन कार्यवाही जारी है इस पर, हमने डिप्टी कमिश्नर का अख्तियार दिए हैं, अधिकार दिए हैं, जहाँ भी आवश्यक लगता है ऐसी परिस्थिति में कोई कार्रवाई करना, जो हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी वायलेशन कर रहे हैं, तो कार्रवाई। सर में उद्योग हैं, क्या उद्योगों में उत्पादन जारी रहेगा या बंद? हाँ, इसमें उद्योगों में दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो जो असेंशियल आइटम के सिलसिले में जहाँ मेडिसिन होती है, जहाँ पर जैसे ये सैनिटाइजर का प्रोडक्शन हो रहा है, ये मास्क का हो रहा है, ऐसे में जो जो इससे फार्मास्यूटिकल जो है वो तो जारी रहेगा, और उसको कैसे करना है उसमें हमने उनको बोला है कि भी आप मॉनिटर करिए, लेबर कम करिए, प्रोडक्शन कम होगा लेकिन उसके बावजूद भी लेबर वहाँ प्रोडक्शन को रोकना उनकी, तो आज की परिस्थिति में तो आपको भी जो रिक्वायरमेंट है, हिमाचल को ही नहीं, हमारे हिमाचल में जो फार्मास्यूटिकल जो है वहाँ से देश के लिए मतलब मेडिसिन जारी है, वो मटीरियल जा रहा है, तो उस दृष्टि से वो तो इस तरह से कर रहे हैं। बाकी जो इंडस्ट्रीज जो है, जो
इस तरह से है जो इससे हट करके है, जो इसमें एसेंशियल आइटम्स की प्रोडक्शन में नहीं आती है, उन पर हमको उनको हम कह रहे हैं कि वो फिलहाल जो है वो रोक करें, और रोक पीरियड में, रोक पीरियड में जो भी वेजेस बनते हैं उनकी लेबर के उतना काटे जाए दिन उनके, तो वो लेबर वो पेमेंट उनको कर उसको टेक ऑफ करेंगे, क्योंकि गैस तो एसेंशियल इसमें आती है। सर मेरा सवाल है सर, आईपीएस ऑफिसर शालिनी अग्निहोत्री वो थाईलैंड से आई थी, और उसी तरह के कई मामले आए हैं। आईजीएमसी में डॉक्टर आए हैं चीन से, उन्होंने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन नहीं किया, तो इस तरह के मामलों को लेकर के क्या है, मतलब लोग छुपा रहे हैं, खुद स्वयं सामने नहीं आ रहा, आइसोलेशन में जा रहे हैं। कोई विशेष टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर है जो प्रोटोकॉल इसका है उसको फॉलो करें जो भी बाहर से आ रहे हैं, और ताकि सिम्टम्स हैं या नहीं है, लेकिन उसके बाद जो रिक्वायर्ड गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो है पालन करें। थैंक यू। सर कल से मीडिया की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब आज से ऑलमोस्ट, तो जो आपका जो ये है ऑफिसर खासकर जो देख रहे हैं इसको, उसमें आरडी डिमांड को जो इनको है कि जैसे दिल्ली एफआईआर कितनी हो रही है सर वायलेशन की, हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि नोडल ऑफिसर के नाते एसीएस हेल्थ जो है वो नियुक्त किए गए हैं, और वो दो बार आपको इन्फॉर्मेशन दो दिन में जो है वो सर, तो जल्दी करेंगे।